हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी, दिस इज अंशु। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था, तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप चैप्टरों को कवर कर सकते हैं। चलिए, आज का जो वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो गाइस आज हम करने वाले हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के मेथड, कि कौन कौन से मेथड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, एक हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट एक्यूरेटली, इट इज नेसेसरी टू कीप सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज, सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। यानी अगर एक डिपार्टमेंट नहीं, अगर एक कंपनी को क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट का एक एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो उसे करना क्या चाहिए, उसे जो भी परचेज बुक्स हैं, जो भी सेल्स बुक हैं, वो अलग अलग रिकॉर्ड करनी चाहिए। यानी परचेजेस के लिए एक अलग बुक्स बनाओ आप, एक सेल्स के लिए अलग बुक बनाओ, एक्सपेंस के लिए अलग, इनकम के लिए। इससे हमें क्या करेंगे, एक परफेक्ट या एक्यूरेट जो है हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकलेगा। तो इसमें दो मेथड्स हैं कि कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। यानी हर डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग बुक बना दी जाए, हर डिपार्टमेंट के लिए क्या कर दिया जाए, अलग अलग बुक में। यानी हर डिपार्टमेंट के अलग अलग से अकाउंटिंग तो कर ही रहे हैं, पर उनके लिए अलग अलग एक बुक बना दी कि इसमें इस वाले डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग होगी, इसमें इस वाले डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग होगी, या तो ऐसा हो। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो क्या है, अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट ओनली इन ए बुक ओनली। यानी सारे ही डिपार्टमेंट की जो अकाउंटिंग है उसके लिए सिर्फ एक बुक बना दी हमने। एक बार दोबारा समझिए। ठीक है, सबसे पहला क्या था, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बुक बनाई। यहां पर एक डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग बुक बना दी, बी डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग बुक, सी डिपार्टमेंट उसके लिए अलग बुक। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ये फर्स्ट मेथड हम यूज कहां करते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड है तो वो डिपार्टमेंट, तो ये कहां पर यूज होंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो बेसिकली तब यूज होता है रियल लाइफ में भी, जब जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो काफी क्या हो, लार्ज हो, बड़ी फर्म हो, बहुत सारे उसके क्या हो, डिपार्टमेंट्स हो, बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट है, 10-12 उसके डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करेगा, सबके लिए अलग अलग बुक बना देगा। उसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा है, उसकी ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा है तो उसके लिए वो अलग अलग क्या करेगा, अपनी बुक्स बना देगा। ठीक है, तो एक इसका मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं तो आप इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो क्या करती हो, अलग अलग उसके इंश्योरेंस होते हैं। फायर इंश्योरेंस के लिए अलग बुक बना दिया उसने, ठीक है, मेराइन इंश्योरेंस इसके लिए अलग बुक बना दिया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग बुक बना दी। ठीक है, तो ये सारे के सारा क्या है, ये सारे के सारा इसमें चला जाएगा, जो कि किसमें, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग बुक, जो फायर इंश्योरेंस है उसके लिए अलग, ठीक है, मेरीन इंश्योरेंस उसके लिए अलग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, कार इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब किसमें आ जाएगा हमारा, ये सब आ जाएगा जिसमें कि आप अलग अलग अकाउंटिंग इसकी कर रहे हो, सबके लिए अलग बुक बना दी, फायर के अलग, मरीन के अलग, लाइफ इंश्योरेंस के अलग, हेल्थ इंश्योरेंस की अलग और कार इंश्योरेंस की अलग। ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट हो गया। अब आई थिंक आपके समझ आ गया होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट ओनली इन वन बुक। अब ये कहां पर यूज होगा, यानी इसमें क्या होगा कि क्या करेंगे हम, सबकी अलग अलग बुक ना बना के एक बुक में ही सबकी डिपार्टमेंट्स की एंट्री करते जाएंगे, अलग अलग से कॉलम बना देंगे, ए डिपार्टमेंट की एंट्री यहाँ, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो ऐसे हम करेंगे। तो इसमें ये यूज कहां होगा, ये तब यूज होता है जब कोई फर्म क्या हो, छोटी हो। ये मैंने आपको बताया कि जब फर्म क्या हो, लार्ज हो, ये तब होता है जब वो स्मॉल फर्म हो कोई, जिसकी ट्रांजेक्शन भी क्या हो, कम हो, तो उन्हें हम एक बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें हमें ये वाला मेथड
प्रेफर करना चाहिए, कौन सा, जिसमें एक ही बुक में सारे ही डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग होती है। और अगर फर्म जो है वो बड़ी है उसमें क्या आएगा, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी सबके लिए एक अलग अलग बुक बना देंगे। तो इसमें आपको पता ही है परचेज बुक का लेजर कैसे होता बनता है, जो परचेज बुक जैसे हम 11th में बनाते थे इनवॉइस नंबर पर्टिकुलर्स और अमाउंट डाल के, सेम वैसे ही बनेगा। पर जो ये सेकंड वाला है, पर ये जो सेकंड है हमारा, देखिए यहां पर क्या बनेगा, सबका अलग अलग परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है, एक्सपेंसेस। जो सेकंड वाला है इसमें क्या होगा, अलग से कॉलम बनेंगे, ठीक है, अलग से कॉलम बनेंगे, वो मैं अभी आपको फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं। तो ठीक है, तो गाइस देखिए अभी जो हमने बताया आपको वो क्या, सबसे पहला सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, नेक्स्ट अकाउंट फॉर ऑल डिपार्टमेंट। अब इसका एक बार क्या है, एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सबकी जो एक ही बुक्स में अकाउंटिंग होगी, तो उसके लिए वो सेल्स बुक कैसे बनेगी, परचेज बुक कैसे बनेगी। तो सबसे पहले परचेज बुक का आप एक बार परफॉर्मा या फॉर्मेट देख लीजिए। ये देखिए सबसे पहले आपको लिखना है डिपार्टमेंटल परचेज बुक, यानी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नहीं है, इसमें सारे ही डिपार्टमेंट्स के, इसलिए डिपार्टमेंटल परचेज बुक्स लिखा गया है। सबसे पहले वही जैसे आप परचेज बुक बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पर इनवर्ड इनवॉइस नंबर आता है, यानी जो इनवॉइस आपको मिला होगा उसका नंबर आएगा, यहाँ पर LF लेजर फोलियो, देन यहाँ पर जो होता था वो होता था, अगर हम सिंपल परचेज बुक की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट होता था, पर इस बार हम डिपार्टमेंट्स की क्या कर रहे हैं, एक साथ एंट्री कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अमाउंट आएगा यहाँ पर। ये हमने क्या बना दिए, कॉलम्स बना दिए, ए डिपार्टमेंट का अलग, बी का डिपार्टमेंट का अलग, सी डिपार्टमेंट का कॉलम अलग। तो इसी को बोला जाता है कॉलमनर, कॉलमनर यानी जिसमें कॉलम्स हो बहुत सारे, ठीक है, कॉलमनर से अकाउंट भी इसे बोला जाता है, कॉलमनर टेबल भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या है, देखिए आप कॉलम बना दिए हर डिपार्टमेंट के लिए, जितने ज्यादा कॉलम होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने ही और कॉलम बनते जाएंगे, ए बी सी डी, तो सबके एक एक करके यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। सेम ऐसे ही सेल्स बुक में देखिए आप, सेल्स बुक में डेट पर्टिकुलर्स, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा, यानी जो हम सेल करेंगे जो इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पर आएगा, LF लेजर फोलियो यहाँ पर आएगा। सेम डिपार्टमेंट्स में जो यहाँ पर सबकी अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, यानी इस बार हम क्या कर रहे हैं, पर एक बार एक साथ कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग से हम क्या कर देंगे, टेबल्स में यानी जो कॉलम्स में सबका अलग अलग अमाउंट हम लिख देंगे। तो ऐसे बनता है हमारा क्या परफॉर्मा, ये पूरा था, आप देखिए ऐसे हमें बनाना होगा, अगर आप क्वेश्चन भी करेंगे तो परचेज बुक ऐसे आपको बनानी है, सबका अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। मान लेते हैं एक एग्जांपल की परचेज बुक में परचेज किया उन्होंने, अलग अलग परचेज किया, यानी 10,000 रुपीज के टोटल थे, जिसमें से 2,000 ए का है, 5,000 इसका है, बी का, और रिमेनिंग 3,000 सी का। तो बस ऐसे ही आपको लिखना है। सेम यहां पर भी मान लेते हैं कुछ रिटर्न है, सेल्स है 10,000 की, इनकी भी 10,000 की, इसकी 12,000 की, तो ये हमारी सेल्स हो जाएंगी। तो ये था हमारा गाइस डिपार्टमेंटल के, जो मैंने आपको इसमें आज वीडियो में मेथड्स बताए कि मेथड्स हमारे कैसे होंगे और कौन कौन से मेथड होते हैं और कहां कहां पर वो यूज होंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसके आगे के टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।